कराने वाली हूँ। ये देख सकते हैं कितना गंदा कर दिया है प्रिंसेस ने ये बेबी। गाइस चमचमाती हुई दीवार। हे गाइस राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। खिड़की खुली है, घुस रहे होंगे सब। पेन, पेंसिल, स्केच, क्रेयॉन लेते हैं और वॉल पे कहीं भी ड्राइंग बना लेते हैं। वो उनका शौक हो जाता है, पैशन हो जाता है। ये इधर मत करो, ड्राइंग हाथ पे करो। सो गंदी करते होंगे तो आप, मैं तो एकदम परेशान हो गई थी कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैंने एकदम सिंपल और इसी आसान सा ट्रिक लेके मैंने अपने दीवार को इतना अच्छा चमका दिया है। ये पूरा सब उन्होंने, बेबी ने खींच रखा था, प्रिंसेस ने ये सब दीवार खींच दिया है पूरा। ये खींच दिया है, यहाँ पे खींचा था मैंने, क्लीन किया, ये सब खींच दिया था मैंने, क्लीन किया। तो अभी ये रह गया है, तो मुझे याद आया कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको, हटो बेबी। देखो अब मैं ये सब जो है ना, ये सब इसी। सो हे गाइस, देखिए अब ये प्रिंसेस मुझे तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, लाड़ लड़ा रही हैं और मैं काम कैसे करूं। एक घंटे हो चुके हैं क्लीन करके और अभी ये रह गया है, तो इसको मैं क्लीन करूंगी। एक दीवार और रह गई है थोड़ी सी, जहाँ पे खींचा है। तो अब देखिए उनको समझा बुझा के साइड में रख के आई हूँ। ये देखिए कितना सारा पेंसिल भी है इस पर, कलर भी है, पेन भी है और इस तरफ क्रेयॉन भी है। तो क्रेयॉन निकालना बहुत आसान है और पेंसिल भी निकालना आसान है, पर पेन जो खींचा है उसको थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि वो पेन जो होता है अंदर तक घुसा के उसने दीवार में कर दिया था, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगा। और ये करना होता है बहुत स्लो स्लो, तो इसकी वजह से ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि अगर हम तेज़ तेज़ करेंगे तो पूरा पेंट निकल जाएगा। तो इसलिए धीरे 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 स्लोली स्लोली हमने किया। और ये देखिए भी बोल रही है मुझे भी करना है, देन अम्मो मुझे भी करना है। तो ये मैंने स्क्रबर ले लिया है, डिश वॉश स्क्रबर जो होता है वो ले लिया है। और क्या लिया है मैंने साथ में, वो आपको बाद में पता चलेगा, दिख जाएगा। तो आप देखिए पहले मेन जो है वो देखिए कैसे कैसे मैं और मेरी बेटी कितना मेहनत कर रहे हैं। देखिए मेरी बेटी को प्लीज़ बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए, दे पूरा दीवार चमका दिए। तो ये टेक्निक आप ज़रूर अपनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत खुश हो जाएंगे आप कि अरे वाह, हमारा तो बहुत बड़ा टेंशन कम हो गया। देखिए मैंने बच्चे को संभालते हुए मैंने अपना सफाई वॉल साफ कर लिया है। मूडी हूँ मैं, थोड़ा मूड घूम गया, तो मैं जिस दिन उस दिन मैं जो नहीं कर पाऊँगी वो भी कर लेती हूँ, उसके पहले तो लगता है कि अरे नहीं। तो बेबी को देखो बहका के उस तरफ भेज दिया है। और ये देखिए दीवार, वाओ गाइस चमचमाती हुई दीवार। आपको इसकी क्रेयॉन की, पेंसिल की कहीं भी दिख रही है? कहीं भी नहीं दिख रही है ना। ये देखिए ये यहाँ पे थोड़ा हाथ का दाग दिख रहा है, इसको भी ऐसे ऐसे। और जब इसको आप रब करेंगे ना, तो तुरंत साथ में एक कपड़ा लेना है और तुरंत उससे पोंछना, नहीं तो वो दाग दिखेगा काला 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 काला। ये चमचमा गई दीवार। अब दूसरी वॉल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये दीवार भी कितनी गंदी है, दिख रही होगी आपको। अब इसके बाद इसको भी साफ करते हैं मैं और मेरी बेटी। ठीक है, ठीक है प्रिंसेस, लक्ष्य करेगा। हाँ ठीक है, लक्ष्य टीवी देख रहा है तो ठीक है। ये देखो आ गई, रुक जा ऐसे मत करो, पेन निकल जाएगा सब। देखिए आपने देख लिया फाइनल, अब मैं आपको दिखाती हूँ करके। ये लो काला वाला जाओ करो। सो गाइस अब ये दीवार काला वाला, ब्लैक वाला ये मत करो, ये वाला करो। हाँ तो ये आपको दिख रहा है, अब इसको मैं करूंगी क्लीन ऐसे की इसका पेंट ना निकले और ये अच्छे से क्लीन हो जाए। धीरे 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 इसको रब करूंगी। लल्ला बेबी हटो हटो, गिर रहा है सब ऊपर, बस जाओ। और साथ में एक कपड़ा जरूर लेना है, क्यों? क्योंकि अगर इसको रब करके तुरंत नहीं पोछेंगे तो दाग दिख जाएगा, सूख जाता है ना वो, तो दाग दिख जाएगा, तो कपड़ा जरूर लेना है। अरे यार तो तंग करेंगे, कैसे करूँ मैं आपको ये क्लीन करके दिखाती हूँ। बेबी बेबी तो ये देखिए मैंने अब धीरे 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 करके साफ़ कर लूँगी। टीवी का आवाज़ आ रहा था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। स्लोली स्लोली मैंने कर दिया है और जैसे ही मैंने स्क्रब करूँगी तुरंत उसको पोछूँगी, वरना दाग दिख जाएगा ज़्यादा सारा। और एक तरफ देख सकते हैं मेरे बेड पर कितने सारे कपड़े रखे हैं, जिसको मुझे घड़ी करना है और टाइम हो रहा है 9:30, 8:30 से मैंने स्टार्ट किया था और 9 बज गया है। और उसके बाद फिर खाना वगैरह भी देखना है कुछ। और सो
ये एक तरफ कर रही हूँ और एक तरफ। तो आप भी ये ट्रिक अपनाइए और बहुत ही हेल्पफुल है। और मुझे अचानक से याद आया कि मुझे ये ट्रिक शेयर करनी चाहिए क्योंकि हर घर की कहानी है ये वॉल पे किया, क्योंकि जिस दिन मेरा पेंट हुआ था ना, और ये टेक्निक ये तरीका मुझे कैसे मिला ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही मेरा घर पेंट हुआ, जिस दिन हुआ पेंट कलर करके गए वो पेंटर, और उसके एक हफ्ते बाद ही लल्ला ने क्या किया, ड्राइंग बना दिया। और मम्मी गई थी, संडे का दिन था, वो भी गई थी सत्संग, और मैं बहुत डर गई थी कि अब तो मम्मी चिल्लाएगी क्योंकि तुम कर क्या रही थी, देखी ध्यान नहीं देती बच्चों पर। तो मैंने क्या किया, कपड़े लेके धीरे धीरे निकालने की कोशिश की थी, तो वो निकल गया था। मतलब बहुत टाइम लगा था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं पेंट ना निकल जाए, ना निकल जाए, पर स्लोली किया था तो वो धीरे धीरे निकल गया। थोड़ा बहुत लाइटली दिख रहा था क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से को, क्योंकि नहीं, फिर मुझे वहाँ से एक आइडिया आया, फिर लल्ला ने फिर से किया था तो भी साफ़ हो गया, और फिर उसके बाद फिर अब बेबी ने किया है तो अब ये मैं साफ़ करी क्योंकि ये तीसरी बार है, तो अब आइडिया अच्छा हो गया, एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं बढ़िया से अपना कर पा रही हूँ। तो कोई भी काम ना करते करते कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता है। और ये बाजू से एसी चालू कर रही हैं, बंद कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि एक मुक्का लगा दूँ इनको। चलो उधर, नहीं तो एसी ख़राब हो जाएगी, इसे करो मत। फ़ैन इसलिए बंद किया है क्योंकि फ़ैन का आवाज़ इसमें आता है, तो थोड़े देर के लिए मैं एसी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि खांसी आती है ना, मुझे ठंड लगती, मुझे नुकसान करता है। तो ये देखिए मेरा दीवार चमक गया ना, सही सही बताइएगा चमका है कि नहीं, और गीला है, सूख जाएगा तो एकदम। आप लीजिए ये बर्तन धोने का, पर अगर आप इसे स्क्रब करेंगे ना, लाइटली करेंगे तो बहुत ही अच्छा निकलता है। और साथ में एक कपड़ा ज़रूर रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि जैसे आपने ये किया और ये सूख गया, साफ़ नहीं और सूख गया, तो फिर वो दाग पड़ जाता है। तो ऐसे किया, बेबी बहुत परेशान कर रही है, इसको ऐसे ऐसे जैसे साफ़ किया वैसे कपड़े से पोछ देंगे, क्योंकि एक एक जगह मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ नहीं पोछा है मैंने, वहाँ दाग दिख रहा है, बारीकी से देखिए कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो इसलिए मेरा हो गया दीवार साफ़। और ये देख क्या कर रही है, और साथ में क्या लेना है, विम बार साबुन, शायद मैंने आपको दिखाया नहीं, ये विम बार साबुन, ये देखो क्या कर रही है, ये देखो क्या कर रही है, पूरा साबुन वेस्ट कर दिया। ये लो इस कपड़े में पोछ लो, इसमें पोछ लो। और भी दीवार गंदी किया है इन्होंने, मैं आपको दिखाती हूँ, पर मैं वो अभी साफ़ नहीं करूँगी, रुको पहले लाइट चालू कर दूँ, अभी वो साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई पहले। तो ये देखिए यहाँ पे किया हुआ है, और भी ये देखिए, ये देखिए दीवार गंदी किया है बेबी ने, और ये देखिए ये पूरा दीवार गंदा हुआ है। तो इतना ज़्यादा मैं साफ़ करूँगी तो मैं थक जाऊँगी, तो मैं आपको जो साफ़ हो चुका है ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये दीवार साफ़ कर दी जो कि पहले मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद ये दीवार मैंने साफ़ कर दी जो कि मैं आधा साफ़ कर चुकी थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे कैमरा ऑन करना चाहिए और वीडियो बना के आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये मेजरली हर किसी के घर का प्रॉब्लम है, तो हेल्प हो सकती है इसलिए। अब ये देखो क्या कर रही हो प्रिंसेस, तो यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, ये थोड़ा सा ही है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको क्लीन कर दूँ, हाँ इतना ही है, थोड़ी सी मेहनत और कर देती हूँ, बाकी का बाद में करूँगी। तो उम्मीद है आपको ये टेक्निक तरीका पसंद है, पता नहीं मेरे कैमरे में हर जगह से लाइट ही आ रही है, हा? तो ये लोटा लिया, ये देखिए इसमें थोड़ा बहुत निकला है पेंट, 0% निकले, अगर मैं आपने लाइटली किया तो 0% निकलेगा, अगर आपने ज़्यादा टाइट किया मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, शॉर्टकट का मतलब जल्दी साफ़ होना चाहिए तब तो आपका पेंट निकलेगा, अगर आपने धीरे धीरे किया तो पेंट नहीं निकलेगा, ठीक है, निकलेगा भी तो 0% निकलता है। और वैसे भी हमने पेंट का जो कलर है वो जो पिछली बार हुआ था हमारे साथ कि पूरा निकल गया था, तो हमने वो धोखा अभी नहीं होने दिया अपने साथ, मैंने थोड़ा थोड़ा पेंट का जो है ना कलर रखा हुआ है। अगर ऐसा कुछ लगा तो आप भी रखे हैं अगर घर में अगर है तो, अगर आपको नंबर पता है तो आप भी एक कोट ला के मार सकते हैं, अगर नहीं मारेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हम मारने वाले नहीं हैं। ये देखिए क्योंकि हमारी वॉल ऐसे ही चमचमा गई है, तो आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली रब करेंगे तो आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा पेंट आपका, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा निकलेगा लाइटली एकदम, अगर रगड़ देंगे एकदम ज़ोर से तब तो भाई निकलेगा ही।
पेन दिख रहा है ना, ये भी मैं निकालूंगी, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, क्योंकि पेन जो होता है ना थोड़ा डार्क हो। स्लोली स्लोली, अगर आपने जल्दबाजी किया तो आपका, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि हाफ एंड हाफ, आधी दीवार को ही पूरा साफ कर दो, ताकि वो देखो। अब ये लकड़ी भी साफ कर दूंगी, देखो अब इसको आप कर सकते हैं जोर जोर से, क्योंकि यहाँ से ऑयल पेंट है, तो ऑयल पेंट पर कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। देखो चमचमा गया, अब दीवार दिखाने दो। ये देखो यहीं पे मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखो ये थोड़ा सा कलर दिख रहा है, ये देखो ये पोछा क्लीन हुआ। तो ये देखिए ये दीवार भी क्लीन हो गई। तो आई होप मत करो प्रिंसेस, ये देखो मेरी बेटी एक काम नहीं करने देती है, एक काम नहीं करने देती है, तो मैं सब किचन में रख देती हूँ। बहुत तो हो गया, अब क्या करना है। सो गाइज, यहाँ पे मैंने जो साफ़ सफाई की है, थोड़ा पानी वगैरह गिरा है साबुन वबुन, तो वो मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ढूंढ रही हूँ अभी किससे साफ़ करना है, तो बाथरूम में जा रही हूँ, मोप लेके आती हूँ, फटाफट से मैं साफ़ कर देती हूँ, और ताकि बच्चे भी हैं देखो ये चल रही हैं, गिर ना जाएँ धम से। सो यहाँ मैं लेके आ गई हूँ मोप, और ये कुछ उछलते उछलते देखो हाथ में पूरा साबुन लगा ली है, विम बार पूरा एडवर्टाइजमेंट हो गया है विम बार का, है देखिए विम बार का कमाल। तो ये मैं पोछ लिया, फटाफट से पोछ लेती हूँ, और सोफ़े का कवर बेबी ने सुसु कर दिया था, उस पर बहुत स्मेल आ रहा था, तो मैं वो धोने के लिए डाल दी हूँ, तो वो सूख भी गया है, तो अब ये पंखा चालू करें ताकि जल्दी सूख जाए, क्योंकि भरोसा नहीं है कब कौन फिसल जाए। और लल्ला गए बेबी का हाथ धुलाने, तो लल्ला बड़ा हो गया है थोड़ा, तो बहुत काम कर लेता है, मैं उसको बोलती हूँ बाबू ये कर दे तो वो कर लेता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, मतलब एक काम अगर एक गिलास पानी भी मांगती ला के दे देता है ना, तो सीरियसली मुझे ना दिल में एकदम बहुत ही खुशी सा होता है कि अब भी मेरा भी काम कोई कर देगा बोलूँगी। तो ये मैंने मोप से क्लीन कर लिया है, अभी थोड़ा किचन वगैरह भी कर लेती हूँ। ये देखिए धो के आ गई हैं, ये देखो फिसलने वाली हैं। उसके बाद लल्ला ने काम कर लिया है, अब लल्ला को बोल रही हूँ मैं उधर से उधर बैठ जाओ, अब ये बैठ के टीवी देख रहे हैं, और मैं अभी पोंछ के अच्छे से, उसके बाद अब देखिए मेरी खुशी बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए बाजू से दीवार देखिए पूरा एकदम साफ़ सुथरा लग रहा है। अब ये कवर सूख गया है, तो अब मैं इसको अच्छे से कवर सेट कर देती हूँ। पता नहीं मेरे कैमरे में क्या हो गया है, प्रॉपर लाइट ही नहीं आती है, अच्छे से दिखता ही नहीं, तो अभी देखती हूँ सेटिंग मेरे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा था नहीं। तो अब मैं टेबल खसका दिया, ग्लास वगैरह रख दिया, बच्चे जिस घर में रहते हैं तो पता ही है पूरा पसारा रहता है ये पूरा टाइम, तो ये कवर लगाना इतना मुश्किल है, 7 सीटर सोफ़ा है मेरा, इतना मुश्किल है कि मतलब हालत ख़राब हो जाता है, इतना हालत ख़राब रहता है, पहले तो समझ में नहीं आता कौन सा किसका किधर का है, तो एक ही इसी पे सुसु किया था तो एक ही धोना है, तो ये इजी है, मतलब इधर उधर की ये इसी का है और इसी पे फिट करना है। ये देखिए मेरा मोबाइल गिर गया है धड़ाम से, कैमरा स्टैंड लगाया था और धड़ाम से गिर गया, मैं चेक कर रही हूँ कहीं टूटा फूटा तो नहीं, तो बच गया था भगवान की दया से, क्योंकि 3-4 स्टैंड मेरा टूट चुका था। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ लगाने, और इसी में बेबी अभी तंग करेंगी, तो मैंने उठा के उनको बाजू में पटक दिया है पटक दिया मतलब रख दिया है, बिठा दिया है उनको। और ये देखिए चैन बंद करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो सोफ़ा सिला है जिसने बहुत ही फिट सिला है, मतलब ज़रा भी स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए बड़ा दिक्कत होता है उसको, तो चैन बंद करना में बड़ा दिक्कत होता है, तो चैन वही मैं बंद कर रही हूँ पीछे बैठ के, क्योंकि ज़रा भी इधर उधर सोफ़ा का कवर होता है तो चैन प्रॉपर नहीं लग पाता है। तो अब ये देखिए पीछे पीछे मेरी बेटी भी गई हैं, इनके बिना मेरा कोई काम होता नहीं है, मतलब उनको करना ही है घुसना ही है। तो ये देखिए मैंने प्रॉपर कर दिया अब इधर से, तो अब चैन लग जाएगा। अच्छा बताइए मेरी राधा कृष्ण जी कैसे लगते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना, हमें तो बहुत पसंद है, बहुत मतलब दुनिया को ही पसंद है, ऐसा नहीं है, भगवान है वो, पर
बहुत अच्छा लगता है एक वॉल पे ऐसे। और देखिए प्रिंसेस क्या कर रही हैं, परिक्रमा कर रही हैं, सोफ़ा परिक्रमा। तो ये मैंने फिट कर दिया है, सेट हो गया है। अब दूसरी तरफ का भी ये भी सेट कर दूंगी थोड़ा सा। ये देखिए टेडी सब गिराया हुआ था, तो ये भी सब सही कर दिया है। अब सब सिस्टमेटिक मतलब जगह पे चीज़ें रहती है तो अच्छा लगता है देख के भी, है ना। तो अब मैं वहाँ पे रख के ही टैडी और बेबी गई उठा ली। तो मेरे यहाँ का यही काम होता है, मैं प्रॉपर जगह पे जो चीज़ें रखूँगी, प्रिंसेस या लल्ला जाएंगे उठा के इधर उधर रख देंगे। तो अब देखिए मैं फाइनली, मैं वो रफ़ कर कर के इतना थक गई थी ना, सीरियसली मेरा सांस फूलने लगा था क्योंकि बहुत टाइम तक मैंने किया, बहुत टाइम तक सेट हो गया, सारा कुछ हो गया मेरा काम। और बताइएगा ज़रूर, मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ सूखने के बाद, क्योंकि गीला था तो थोड़ा बहुत इधर उधर दिख रहा था ना डार्क और लाइट। तो देखिए अब ये दीवार सूख चुका है, आप यकीन नहीं करेंगे। देखिए एकदम सेम दिख रहा है ना, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे हाथ लगा है और ऊपर का मैंने क्लीन नहीं किया है क्योंकि ये चलेगा अभी। तो यहाँ जो भी पेंसिल ये हुआ था पूरा एकदम चमचमा गया है, देख सकते हैं आप चमचमाया है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो कैसे, दूसरे को भी आप शेयर कीजिए जिसके घर में बच्चे हैं, जो भी परेशान हो चुका है पेंटिंग करा करा के मेरी तरह, तो उसको भी आप शेयर कीजिए और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसा लगा। और मैं ये वीडियो बनाने वाली नहीं थी, मैं जब आधा साफ कर लिया था ना तब मुझे क्लिक हुआ कि मुझे ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाइए। और लेट पोस्ट के लिए सो सॉरी। देखिए बहुत मन को, घर साफ सुथरा रहता है ना तो मन को बहुत अच्छा लगता है। इसको साफ करना है ये, और ये भी मैंने इधर से भी साफ कर दिया है। सो गाइस बाय, मिलते हैं आपको फिर ऐसी किसी नए वीडियो में, जैसे मुझे आइडिया आया कुछ अच्छा यूनिक, जो भी मुझे आता है दिमाग में आ गया तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, नहीं आया तो क्या ही कर सकते, क्योंकि मुझे बहुत कुछ आता है पर मैं वीडियो डालू है ये दिमाग पे नहीं आता है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। क्या हुआ कंप्लेन बॉक्स?